मानी खन्ना एंड वेलकम टू सेलिब्रिटी टॉक्स। रणवीर सिंह ने सबके सामने कही ऐसी बात कि दीपिका की आंखों में आ गए आंसू। रणवीर सिंह को स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में फिल्म पद्मावत के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब मिला, जिसके बाद रणवीर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने अवार्ड जीतने का पूरा क्रेडिट अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण को दे दिया। रणवीर की यही इमोशनल स्पीच सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू छलक आए। रणवीर ने अपनी स्पीच में कहा, फिल्म में मुझे रानी नहीं मिली थी, लेकिन रियल लाइफ में मैंने रानी को पा लिया। रणवीर ने ये कहकर दीपिका की तरफ इशारा किया है। आगे रणवीर ने कहा कि बेबी आई लव यू, पिछले 6 सालों से मैंने कुछ भी अचीव किया है क्योंकि आपने मुझे ग्राउंडेड रखा, स्टैंडर्ड रखा है, हर चीज के लिए शुक्रिया। दीपिका ने रणवीर से जैसे ही ये सारे शब्द सुने वह रोने लगी। रणवीर ने आगे संजय लीला भंसाली को उन पर बतौर एक्टर ट्रस्ट करने के लिए शुक्रिया भी कहा। सलमान खान बातों ही बातों में कर बैठे हैं बिग बॉस सीजन 12 के विजेता का खुलासा, उसे संभल कर खेलने को भी कहा। दरअसल हम बात कर रहे हैं शो में पुलिसकर्मी निर्मल सिंह चौधरी के साथ बतौर जोड़ीदार एंट्री लेने वाले कॉमनर और वकील रोमिल चौधरी की। जी हाँ, सलमान खान की नज़रों में रोमिल चौधरी इस सीजन के विनर हो सकते हैं, क्योंकि वीकेंड के वार में उन्होंने बातों बातों में रोमिल से कहा कि वे एक बार फिर एक्टिव हो जाएं और अपने पहले वाले खेल जारी रखें, क्योंकि लोगों को वही खेल पसंद आ रहे हैं। दिलीप कुमार की पत्नी ने मोदी से मांगी मदद, कहा जेल से निकला भू माफिया दे रहा है धमकी। सायरा ने दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से लिखा, सायरा बानो की ओर से निवेदन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर, भू माफिया समीर भोजवानी जेल से छूट गया है, उन्हें पैसे और बाहुबल से धमकाया जा रहा है, मुंबई में आपसे मिलने का निवेदन है। क्या अनुष्का शेट्टी को डेट कर रहे हैं प्रभास? करण जौहर के शो में तोड़ी चुप्पी। प्रभास के रिलेशनशिप स्टेटस पर गोलमाल जवाब ने एक्टर के फैंस को फिर से असमंजस में डाल दिया है। आपको बता दें कि फिल्म बाहुबली में साथ आने के बाद से प्रभास और अनुष्का शेट्टी के रिलेशंस चर्चा में हैं। दोनों के डेटिंग की खबरें और आए दिन उनकी शादी करने की खबरें भी गॉसिप्स गलियारों में बनी रहती हैं। हालांकि अब दोनों ने अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम दिया है। रैपिड फायर राउंड में करण जौहर ने प्रभास और राणा से पूछा कि क्या आप सिंगल हैं? दोनों ने हाँ में जवाब दिया और अगले ही सवाल में जब करण ने पूछा क्या आपने काउच पर झूठ बोला है, तो प्रभास ने तुरंत हाँ कर दिया। सारा अली खान के आगे रजनीकांत और अक्षय कुमार भी फेल, 8वें दिन केदारनाथ ने कमाए करोड़ों। 7 दिसंबर को रिलीज हुई केदारनाथ ने पहले हफ्ते में 42 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि शुक्रवार को 2.5 करोड़ कमा लिए। इस तरह फिल्म ने 8 दिन में कुल 44 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ली है। माना जा रहा है वीकेंड में फिल्म 50 करोड़ के करीब पहुँच सकती है। बता दें कि केदारनाथ का बजट करीब 35 करोड़ रुपए का था। तो आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट मसालेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश विदेश और अपने राज्य से जुड़ी खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। न्यूज़ विशेष ब्यूरो।